देखिए एकदम मस्त नज़ारे, बिल्कुल समुंदर सामने। और खास तौर पे किसी कपल्स के साथ आ रहे हो, किसी की अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो, यहाँ काफ़ी सुख शांति वाला, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देख सकते हो मेरे सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं कितनी मंजिल की है, होगी 50-60 मंजिल। आज मैं जिस जगह आया उस जगह दिखाता हूँ अंदर की एंट्री करके, अंदर जाके पूरा दिखाऊँ किस तरीके का ये ओखला पक्षी विहार। ओखला में ये पक्षी विहार है जो कि यहाँ है, काफ़ी अंदर, काफ़ी लंबा पार्क है। अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके का, देख सकते हो ये इतना अच्छा और किस तरीके का है। बाकी अंदर की दिखाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरीके का क्या है। अंदर एंट्री करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके का है अंदर, पूरा व्यू दिखाऊँ किस किस तरीके का क्या है अंदर, अच्छी है या नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसा व्यू है देख सकते हो, एंट्री करते के साथ ही अंदर जाने का रास्ता है, और मैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे उधर से सीढ़ी आ रही है और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे यह पूरा व्यू बना रखा है, पूरा नदी वगैरह है, देख सकते हो किस तरीके की। तो नाव था, नाव पहले चलता था, अब चलता नहीं है क्योंकि अब पानी कम हो चुका है। पूरी ये यमुना नदी है, और अब मैं चलता हूँ दिखाता हूँ तारा बगुला। और यहाँ पे एक बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू, जैसे कि कोई भी बैठ के यहाँ चाहे, एकदम मस्त नज़ारे, बिल्कुल समुंदर सामने, पूरा ऐसा व्यू आ रहा है। ये पूरा नाव हो गया, नाव के साथ बिल्कुल ये जगह दिखा देता हूँ किस तरीके का व्यू आ रहा है यहाँ। ये पूरा नदी का इलाका है। इस नदी को यमुना नदी कहते हैं, यमुना नदी जो है इस जगह पे आ रही है। पूरा जंगल है, बाकी बैठने का ये इलाका दे रखा है, यहाँ बैठ के अपना चाय कॉफ़ी, एकदम मस्त नज़ारे। बाकी आगे की तरफ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरी वीडियो। बैठ के बिल्कुल तगड़ा व्यू आ रहा है और एकदम मस्त लग रहा है। ये पूरा नदी के सामने और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कभी भी आओ तो मज़े लेना है तो यहाँ आओ भैया, अकेले है। इस जगह की लोकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन कैसे पहुंचना है, बाकी दिखा दो किस तरीके का व्यू है, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा यहाँ के, कभी भी आओ। हाँ मैं बैठा हूँ उसके जस्ट सामने से देख रहा हूँ, ये पूरा समुंदर है, बिल्कुल देख सकते हो यहाँ किस तरीके का नज़ारा, किस तरीके का व्यू आ रहा है, बिल्कुल पूरा समुंदर में यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे की तरफ, दिखाता हूँ किस तरीके का है ये। चलता ना यहाँ पे आने के बाद तो भाई बिल्कुल मज़े है, बिल्कुल खाली इलाका है और काफ़ी सारे चीज़ें हैं यहाँ, सांप वाप से बच के चलो, एकदम मस्त इलाका। समुंदर मेरे पीछे और मैं चलता हूँ आगे, ये समुंदर के बीच में बिल्कुल नाव बना रखी है। अभी थोड़ा पानी कम है इसलिए यहाँ, वैसे एक साथ 5 जन जा सकते हैं इस जगह पे। जस्ट मेरे पीछे एकदम जस्ट तालाब वालाब के बीच में, नाव के बीच में आया, ऐसा व्यू आ रहा है बिल्कुल। मैं तालाब के बीच में नाव के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर देखो ये लगा रखी है एकदम मस्त। ये टंडा नाना डब्बे लगा रखे हैं, उनको नाव बना रखा है इसका, जैसे कि ये तैर सके, लोहे की चीज़ है ना। और ये पूरा कुंभी जिसे कह सकते हैं बिल्कुल वो आ रही है भाई, पूरा जंगल ही जंगल वाला इलाका है पूरा ये। और जिन लोगों को जंगल में घूमने का शौक है और हरियाली देखने का शौक है, वो इस जगह आ सकता है भाई, एकदम मस्त जगह है उनके लिए, अकेले जगह है। जिनको आना है वो 30 रुपये का टिकट ले गए यहाँ आने के लिए, 30 का टिकट है और कोई भी आ जा सकता है यहाँ, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफ़ी देर से बैठने की जगह देख रहा था, मुझे जगह ही नहीं मिली बैठने की, हर जो भी स्टैंड थे, जो भी बैठने के बना रखे थे उस जगह पे तो सारे कपल्स लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। लेकिन इस जगह पे एकदम भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल समुंदर बीच पे बैठा पड़ा हूँ, मेरे सामने का व्यू देख सकते हो किस तरीके का। ये पूरा नदी नज़ारा, पूरा ये नदी है, दिखाता हूँ मैं तो आप लोगों को। वैसे मेरे हाथ पे एकदम मकड़ा चढ़ गया, मैं दिखाता हूँ मकड़ा। मतलब व्यू है ना, इसी व्यू में एकदम आनंद आता है भाई, इसमें भी आना है बिल्कुल। जंगल में मैं अकेले ही आया पड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई आया नहीं, मैं अकेले ही आ गया क्योंकि शूट करना था, दिखाना था आप लोगों को ये जगह कैसी लगी, ये जगह बताना। अभी और आ गया, काफ़ी बड़ा है ये जगह, मैं लेके चलता हूँ उस जगह पे, और मेरे सामने देख लो कितना मस्त नज़ारा है, पूरा नदी का इलाका है, पूरा एकदम अच्छी जगह है, पूरा पेड़ वगैरह। और बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चिड़िया वगैरह बैठी हुई है, ये बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के पास ही मैं बैठा हूँ, यहाँ लगा है ये बेंच है, यही खाली मिला मेरे को। बाकी ये बोर्ड लगा रखी है, आगे देखते क्या क्या है, बत्तख वगैरह बता रहे ढूंढे नजारे। यहाँ का जो रास्ता है ना, वो रास्ता देख सकते हो कितना अच्छा बना रखा है। मैं पहले जंगल वाले रास्ते में था,
और यहाँ से जंगल वाला रास्ता खत्म होता है, यहाँ से बाहर आ जाते हैं और मैं आगे की तरफ चला बिल्कुल सीधे वाले। अभी भी आओ तो दोस्त यारों के साथ आओ तभी मज़ा है भाई। दोस्त यारों के साथ आओगे तो एकदम मस्त लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आने के, एकदम हरियाले बिल्कुल सुख शांति है। इसके बाद जो है ना घूमो, और ख़ास तौर पर किसी कपल से साथ आ रहे हो, किसी की अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो, यहाँ काफ़ी सुख शांति वाला, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ भीड़ कम रहती है, पब्लिक कम रहती है, और आने के 30 रुपये का टिकट लगता है। ये कैसी जगह बुला दिया, ये पूरा भाई समुंदर का पानी है, पूरा का पूरा समुंदर का पानी। सुकून है भाई जगह पे, हरियाली सुकून, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता यहाँ, एकदम सही इलाका है। देख सकते हो इस तरीके का है, देख सकते हो बिल्कुल यहाँ है, बिल्कुल यहाँ, ये सामने हो गया, ये पानी का इलाका हो गया, और पानी के इलाके के जस्ट सामने ये बेंच लगा रखा है, और व्यू एकदम अच्छा आता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। और देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे बाकी जो चिड़िया मारने वाले पक्षी वगैरह वो बैठे पड़े। अभी अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, अंदर की तरफ लेके चलता हूँ मैं, देखते हैं अंदर और क्या क्या है। वैसे तो मेरे को कोई चिड़िया वगैरह मिली नहीं, बस यही मिला है व्यू यहाँ का अच्छा है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई किसी को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ कुछ इस तरीके का पक्षियों का बोर्ड लगा हुआ है, तितलियाँ देख रहे हो किस तरीके की तितलियाँ होती है, जो हम पकड़ते थे जिससे हाथ से, सारी वो तितलियाँ अंदर भी लगी जंगल में कहीं ना कहीं उड़ रही होगी। रास्ता तो है पूरा सुमसम भाई, लेकिन यहाँ ना खाने का है कुछ, ना पानी पीने का है, देखने लायक भी कोई चीज़ नहीं है भाई यहाँ का। बस चिड़ियाओं के नाम दे रखे हैं, पोस्टर दे रखे हैं, कहा था कि अंदर चिड़िया वगैरह दिखेंगी, कोई चिड़िया ना दिख रही, पूरा जंगल जंगल है। लेकिन हाँ, उनके लिए है जो अपनी अय्याशी करने के लिए आते हैं, जो जिन्हें खाली माहौल चाहिए, बिल्कुल शांति वाला इलाका चाहिए जिन्हें, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, बिल्कुल बैठने की जगह अच्छी है। और इवनिंग के टाइम में और आए तो और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ घूम सकता है, बैठ सकता है आराम से, ना यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा इलाका है, बिल्कुल ऐसा इलाका है बिल्कुल। ये सामने दे रखा है नदी, और ये रोड, और ये जंगल, सब कुछ दे रखा है, बस वही जगह नहीं है घूमने बैठने या कुछ खाने पीने की जगह, कुछ कैंटीन वगैरह हो, कुछ दिख रहा ही नहीं है आगे जाके। शुरुआत में गेट के पास थोड़ी कैंटीन वगैरह कुछ खाने पीने का सामान है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं वैसे। चले जा रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या है, किस तरीके का रास्ता है और किस तरीके का ये लगा रखा है बोर्ड, और बोर्ड इसलिए लगा रखा है क्योंकि चिड़िया विड़िया जो है जिसे भी देखना, वो नदी में जो दिख गई वही चिड़िया है, बाकी यहाँ कोई चिड़िया नहीं है, ऐसे बस बना रखा है, बाकी शांत इलाका है। जो व्यू आपको ये समुंदर का देखने को मिलेगा वही वही है, और कुछ किनारे मेरे को एक और बोर्ड मिला जिसमें देख सकते हो छोटी मुर्गी भी, पता नहीं ऐसे कुछ नाम लेकर हुआ इस बत्तख का नाम, दिखाता हूँ उसी बत्तख का नाम है छोटी मुर्गा भी पतारी। हाँ भाई ये व्यू भी मिलेगी अंदर ही, इसके अंदर ही देखो, दिख गई तो दिख गए, पर ना जाओ बाहर में, देख सकते हो नज़ारे। बाकी तो अभी हम चले जा रहे दिखाएंगे, और चलते चलते हमें दिखाइए चील, ब्लैक काइट बोर्ड, और यहीं कहीं बैठा होगा पेड़ों पे, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, देखते हैं। समुंदर का नज़ारा ही अच्छा है यहाँ, और कुछ इस जगह पे आने के बाद बस मेरे को समुंदर का नज़ारा ही अच्छा लगा है, बाकी और कुछ नहीं है अच्छा भाई, क्योंकि अकेले आने के लिए यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, समुंदर के नज़ारे के अच्छे के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है बोर्ड, और मेरे सामने देख सकते हो आप इतने सारे पक्षी बैठे हुए पेड़ के ऊपर, देख सकते हो और ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, एक ये रहा, तीन और है, उड़ा के देखो। ये समुंदर के अंदर जो है ये बगुला भी दिखेगा, हिंदी स्लेटी अंजन सरपट्टी सावन, अलग अलग नाम है बगुलों के भी कैसे कैसे, और ये पूरा नदी, इस नदी के किनारे एक गार्डन जो है, यहाँ का एंजॉय लेना है तो भाई कभी भी आ जाओ, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल शांति का इलाका है, और बिल्कुल नदी बिल्कुल सामने है, एकदम अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं आया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ भाई खाने पीने का कुछ नहीं है, और पूरा सुमसाम है, रोड पूरा खाली है, पब्लिक यहाँ कम ही आती है,
आपको आना है तो आओ, 30 रुपये टिकट लगेगी, अंदर आने का यही है। बाकी मैं चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ क्या क्या है वीडियो में, बने रहो मेरे साथ। और ये रहा एक और मुंडा सफ़ेद बुज्जा आ रहा है। भैया ये कौन कौन से पक्षियों के नाम है, ये सारे पक्षियों के नाम लिख रखे हैं। और देखियो तेलिया मुनिया सिनाबा जैसे है भैया, कुछ ऐसे नाम है कुछ, देख सकते हो। पूरा रोड खाली है भैया, रोड खाली है। एक और ये चिड़िया टिकटिकी, टिकटिकी चिड़िया। हाँ भैया देख रहे टिकटिक, वो जगह का नाम है ओखला पक्षी विहार। इसको क्या वोट क्या क्या लिखा है इसमें दिखाता हूँ। लो एक और पक्षी का नाम याद कर लो, जद फुटकी, जद फुटकी ओए कोतवाल। अरे भैया कोतवाल भी आ गया। ऐसे कैसे पक्षियों के नाम है, कोतवाल, जद फुटकी, फलाना ठिकाना, ऐसे ऐसे चिड़ियाओं के नाम है यहाँ पे। एक भी नहीं है भाई, देखी एक भी नहीं, बस नाम नाम दे रखा है, पता नहीं जंगल में कहाँ उड़ गई। और मेरे सामने जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी वो दिखा, चलते चलते ये देख रहे ये बिल्डिंग। और ये बाहर जाने का रास्ता आ गया, यहीं से मैंने एंट्री करी थी और यहीं से बाहर जा रहा हूँ अब मैं। बिल्कुल ये देख रहे हो तैयार हो रही है, नोएडा वाला रोड आ जाता ना, नोएडा में बिल्डिंग है तो बहुत काफ़ी लंबी लंबी बना सकते हैं, इस तरीके का है। चलते रहने का, अभी मैं जंगल से आया था और रोड से जाके देखता हूँ क्या क्या अंदर, देख सकते हो ये इस तंधारी जगह। ये कौन सा पक्षी है, हंस राज हंस। यहाँ से आ चुका हूँ बाहर, बाहर से देख सकते हो अभी मैं अंदर एंट्री कर ली थी, जिस तरीके का था मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे भी आना है मैप में सर्च मार लो ओखला पक्षी विहार पहुँच जाओ। मैं मिलता हूँ फिर अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ, जब तक इतना ही इतनी मेहनत करो भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मिलता हूँ दूसरी वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाय।